एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। सेंथिल, शो की पेमेंट है 50,000। एनीथिंग लेस देन दैट इज अनएक्सेप्टेबल। नहीं तो अच्छा, मिस्टर कुमार को फोन दीजिए। यस मिस्टर कुमार, मेरी शर्तें आपको माननी ही पड़ेगी। अरु, देखना कौन है? फ्लोर शूट है ना? हाँ,
नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, एक कीनो दो बेबी लाइट्स। हाँ ठीक है, अगर कुछ पूछना हो तो फोन कर लेना। और हाँ शूट सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी। हाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए प्लीज। ठीक है। यस। हे गाइस सुनो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ओके। अरे आना कार्तिक, अरे उठना। ए उठना यार, ये देखो मैंने बनाया है। देखा ना, देखो सी दिस बॉडी, ये देखो। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर वो अपनी जान से हाथ धोएगा। कमाल है यार। आई नो सच में। इसमें क्या कमाल है, दूसरी फिल्म्स के क्लिप्स दिखाने में क्या खास बात है। ओए, जो शॉट्स होते हैं ना वो ओरिजिनल होने चाहिए। जैसे तुमने तो कितने ओरिजिनल शॉट्स ले लिए हैं, किसी को बोलने से पहले खुद को प्रूव करके दिखा। आरू हम दोनों इस बात पर कई बार लड़ चुके हैं, ये तो तुम जानती हो। जस्ट लीव द टॉपिक यार। यही तो प्रॉब्लम है, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छा वक्त है कार्तिक, और तुम उस एक धोखे की वजह से अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं भी हमेशा ऐसे यही कहता हूँ भाई, धोखा देना लड़कियों का हक होता है यार, है ना? क्या यार, इस बात को उसके साथ मत जोड़, ये सब उसकी वजह से नहीं हो रहा है। गाइस 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 छोड़ो ना यार प्लीज। आरू नो सीरियस टॉक्स ओके, एंड कार्तिक लिसन वी हैव टू डू समथिंग ओके। लेकिन सही अपॉर्चुनिटी तो मिलने दो। ओ, तो तुम अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो। आरू सिनेमा तुम्हारे लिए सिर्फ एक नौकरी होगी, लेकिन मेरे लिए मेरा पैशन है। पैशन? सिर्फ क्लासिक देखने और पढ़ने से क्या फायदा कार्तिक, एग्जीक्यूशन दैट मैटर्स, और फिर सही अपॉर्चुनिटी। बैठकर उसका इंतजार करते रहो। तुम्हारे पापा जो प्रोजेक्ट लाए थे उसे तुमने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? एटलीस्ट शुरुआत तो करो, वो भी एक अपॉर्चुनिटी ही थी ना। अरे वो डॉक्यूमेंट्री? हाँ? वो केरला हेल्थ डिपार्टमेंट वाली। कमाल है, और उसका सब्जेक्ट अल्जाइमर्स। तुम मुझे बताओ क्या मुझे वो करना चाहिए? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है? ये एटीट्यूड, हर चीज के लिए बहाना। सिर्फ गैलरी में जाकर तस्वीरें देखना काफी नहीं है, मैदान में उतरना होगा। मूवीज तो छोड़ो, तुम ये डॉक्यूमेंट्री ही करके दिखा दो। चलो और अगर कर दिया तो? हाँ हाँ गाइस चलो करते हैं, मजा आएगा। सिस्टर हाँ? ये डॉक्टर सुधा कहाँ मिलेंगे? सीधे जाके आगे से राइट ले लेना। ओके थैंक यू। थैंक यू। हाँ तुम बस जल्द से जल्द ऑर्डर इश्यू करके किसी के साथ वो सारे पेपर्स मेरे पास भिजवा दो। हमें ये काम करना होगा। मधु प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कलेक्टर से बात करो और उन्हें बोलो कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए। आखिर हम सब भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। हाँ ठीक है। इस लिस्ट में से किसी एक को चुन लो और ऑफिस में बता दो। हाँ। बाकी का इंतजाम वो लोग कर देंगे। ठीक है सी यू। क्या लिखा क्या है इसमें? मोहन कृष्णन उम्र 55 कोटमंगलम, मालदी 46 हरिपड़, विमला 67 इडुकी। इडुकी? इडुकी को फिक्स करते हैं। जरा मुझे दिखा। ला ला ला। मालदी पल्लना हरिपड़ मालती टीचर। लाइट साउंड लेपल मैं लाऊंगा। कैमरा कौन लाएगा? कैमरा अरु लेके आएगी। ये कौन सी नई कंपनी का कैमरा है? उसका नाम है अरु। अरु ये लड़का है कि लड़की? अरे वो तो ठरके निकला यार। खैर जाने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। वैसे हमारी शॉर्ट फिल्म की हीरोइन कौन होगी? सुनो एलेक्स। हाँ? ये कोई शॉर्ट फिल्म नहीं है। तो फिर? डॉक्यूमेंट्री है। ओह माय गॉड। ये भी कराना? ये सब देखो मैं ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह है ना नहीं करता हूँ, मुझे मेरी इमेज की भी चिंता है। तो तेरी पहले की इमेज बता दो क्या ना इसे? ओके ओके डॉक्यूमेंट्री फिक्स। और सब्जेक्ट क्या है? अल्जाइमर। अच्छा है, अच्छा है, समझ गया। क्या है? वही जो एक पिक्चर में एक चाइल्ड आर्टिस्ट होता है ना, है ना? यार एलेक्स क्या वो एलन सियर था? हाँ ये अल्जाइमर है। ये एक बीमारी है। ओ ऐसा क्या? ओ ये तो पुराना सब्जेक्ट है,
फिर भी मैं इसे क्रिएटिव बनाऊंगा। शूट से पहले मुझे याद करा देना, ओके? अब चलते हैं यहाँ से। हेलो। क्या हुआ, कोई दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ तो कोई नहीं है। हे, अच्छा है ना? सर अच्छी तरह से काम करो ना कंजूमानी। अब इससे ज्यादा और क्या करें बीबी जी। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं। मुझे कॉल किसने किया था? जी मैंने। बस तुम इतने ही लोग आए हो? तुमने कहा था शूटिंग, तो मुझे लगा बहुत सारे लोग आएंगे। ये बस एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है। इसे तो कोई बीमारी नहीं लग रही। अबे तो अपना मुंह बंद रख। अभी तो देर हो गई है, हम ये कल कर सकते हैं, अंधेरा होने वाला है। जी कोई बात नहीं। ये मेरी बेटी है अधीरा। हाय मैम, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं कार्तिक। मैं आपका स्टूडेंट हुआ करता था। मेरे पापा उस समय यहाँ बैंक में काम किया करते थे। जयप्रकाश जी। किच्चू? किच्चू? अच्छा। माँ आपने से पहचाना नहीं? हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, फिफ्थ ग्रेड, राइट? या अच्छा ठीक है। माँ नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम लोग कहाँ रह रहे हो? वो हम आसपास में कोई होटल में रह लेंगे। ओके, दरअसल हमारे यहाँ भी होमस्टे है, अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। That will be nice. I like the ambience very much. Yeah, actually, nice ambience. क्या? कितना ब्यूटीफुल हाउस है ना? हाँ, ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, वेरी ब्यूटीफुल। That's nice. पता है, 100 साल पुराना घर है, सिर्फ विदेशी लोग आते हैं। अरे काका, ये लोग टूरिस्ट नहीं है। सॉरी, अक्सर हमारे मेहमान फॉरेनर्स ही होते हैं। कम, आई शो यू योर रूम्स। एक्सक्यूज मी, कम। ओके, आओ ना। ये हमारे मेनन सर हैं, अथीरा के पापा। जब वो सिर्फ 6 साल की थी तो वो चल बसे। कहाँ गए? चलो आओ। सुन, मैंने सिर्फ इतना पूछा, वो कहाँ गए, तो इसे इतना गुस्सा क्यों आ गया? तू ऐसे क्यों देख रहा है? मैं जा रहा हूँ। मिस्टर मेनन, You guys want to join? No thanks, we are already high. हाँ, बहुत high हो, अब नीचे उतर जाओ, है ना? Sorry. क्या हुआ? Nothing guys, really. You, oh, yeah. you can leave. उसने मुझे sorry क्यों कहा? तुम अपना मुंह बंद रखो। सुनो अरू, जैसा हैरी ने कहा था, हम एम्बियंस भी शूट करेंगे और मैम का डेली रूटीन भी। एक बार वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाए, फिर हम टेस्टिमोनियल शुरू करेंगे। Is that okay? Yeah, it's fine, no issues. हरी, जैसा कहा था वैसा ही बनाया है। Hey! ये क्या किया तुमने? क्या हुआ? मेनन सर की मौत इसी तालाब में हुई थी। वहाँ तो जल्दी आ जाओ। हे
अरे क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या हुआ वो? ये डर गया सिली बॉय। ठीक है। ये क्या कंजूमोनी? बच्चों को क्यों डरा रहे हो? वो दरअसल मैं नमस्ते। उस तालाब के नजदीक गलती से भी मत जाना, ठीक है? सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। बस ये सब घर के अंदर मत पीना, ये पुराना घर है ना, ट्रेडिशन, बस इसी वजह से। तुम लोग एंजॉय करो। वैसे डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर मैं हूँ मैम। मैं पहली बार एक्टिंग कर रही हूँ, तो तुम मुझे बता देना कि क्या करना है। मुझे इन सब के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। वो मैं आपको बता दूंगा। मैम आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस नेचुरल रहना है। अच्छा तो ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? अब कार्तिक। और तुम्हारा? अरु। हाँ। और मैं हूँ। चलिए सोने का वक्त हो गया। मेरी माँ है ये। ओ। अगर काम ठीक से ना करूँ तो मुझे डांटती है। ओ, बहुत बुरी है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके बाय। माँ क्या हुआ? माँ क्या देख रही हो? माँ मुझे नहीं बताओगी? माँ मुझे टेंशन हो रही है, क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल नेचुरल दिखना है, तो मैं मेकअप नहीं लगा पाऊंगी। तुम भी ना माँ, मेकअप करना है ना, मैं खुद कर दूंगी, ठीक है? सच्ची? ये लो, अब ये दवाई लो। माँ 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 यहाँ देखो। हाँ आ ये लो। गुड गर्ल। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके हरी। अकेले सोने में डर तो नहीं लगेगा? अरे नहीं यार, टेडी बेयर दूं? क्या करूं मैं इसके लिए? ये ठीक है, ये ठीक है अब। ओके सेफ। डर गया। चल गुड नाइट। गुड नाइट। अब कार्तिक तू सोने जा रहा है क्या? बस थोड़ी देर में। तो ये पकड़ रख ले। अरे ये रुई क्यों? अरे तुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है, रख ले। खर्राटे मारता है क्या तू? हैं? सच सच बता। वैसे तो नहीं मारता, पर फिर भी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, रख ले। गुड नाइट। कौन है यार? अरे जाके सो जाओ ना। अरे क्या यार, सो जाओ ना। क्या हो गया? Oh.
No, it's good morning in French. Oh, so sweet. Sweetie, तुम्हारा नाम क्या है? I'm Anne. ये क्या है? मैं जरा देख लूँ. ये मेरी paintings हैं. Painting है? आप इससे मेरी फोटो खींचेंगी? हाँ, क्यों नहीं, अभी खींचती हूँ. उसे लेकर खड़ी हो जाओ. पेंटिंग थोड़ी सी नीचे करो. ठीक है ना? हाँ, मेहमानों को परेशान मत करो, जाओ. ओके, बाय, सी यू. बाय. आप कुक है क्या? नो, शेफ. सॉरी. ब्रेकफास्ट में आपके लिए क्या बनाऊं? इंडियन, कॉन्टिनेंटल, अमेरिकन, रशियन? इडली बनाइए. ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया. इन्होंने तो मेरा काम आसान कर दिया, वरना कॉन्टिनेंटल बनाते बनाते तो. ये लो. What for breakfast, ma'am? For breakfast? I'll have risotto and egg. Yeah, I will also have the same one. और sir? हाँ, मेरा भी same. क्या? जो इन्होंने कहा वही. ठीक है, पर वो सब लोग तो इडली खाएंगे. अरे, वो लोग तो देसी लोग हैं, अपना तो स्टाइल ही अलग है ना? Oh no. Sorry. अच्छा, ये कौन है? ये मैं हूँ. और ये अथीरा दीदी. और ये? ये एक तालाब है. हाँ? ये लिली का फूल है. और ये बत्तख. हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी 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 गुड. थैंक यू. तुम ये सब शूट कर रही हो? कुछ नेचुरल शॉट्स चाहिए थे. तो ये तुम्हारे लिए नेचुरल शॉट्स हैं? मैंने सोचा कि ले लो. इडली खाओ. तुम क्यों नहीं खा रहे बेटा? नहीं, मैं ये देसी खाना नहीं खाता, मेरे लिए तो कुछ और आ रहा है. ये तो इटालियन बन गया. बस इतना ही खाओगे? हाँ, ये इतना ही खाता है. कार्तिक? हाँ. जहाँ तक मुझे याद है, कार्तिक तो स्कूल में दो दो टिफिन बॉक्स अकेला खा जाता था. हाँ? और बहुत मोटा भी हुआ करता. हाँ? था. मैं तो इसे मोटू मोटू बुलाती थी. सांबा पास करना. नहीं, मैं खुद ले लूंगा. बस हो गया मैम. बस काफी हो गया मैम. माँ बस हो गया. माँ बस करो. लो, तुम भी खाओ. थैंक यू. चटनी पास करना. ये क्या, साबुदाना? मुझे तो लगा था कुछ अच्छा सा होगा. Yeah, she said it's very nice. बेचारे अंग्रेजों को बेवकूफ बना रही हो. क्या मुझे इडली मिलेगी? जो है वो खा. अरे, शुरू करो ना. प्लीज यार, इडली दो ना. खत्म हो गई. नहीं, ऐसा मत करो. मुझे जबरदस्ती डाइट नहीं करना है. डॉक्टर अलॉय अल्जाइमर ने सबसे पहले अल्जाइमर्स नामक बीमारी की खोज की थी. चीजों को भूल जाना, इंसानों के नाम भूल जाना, आसपास की जगह को भूल जाना, भाषा में भी बदलाव आ जाना, अचानक आदतों और स्वभाव में बदलाव आ जाना, ये सब कुछ इस बीमारी के लक्षण हैं. बस इतना ही ना? कट. मैम, कैमरे में मत देखिएगा. कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार टेक करते हैं. फिर से चल कर आओ. नहीं. जी, हम फिर से करेंगे. तो थोड़ी देर बाद करें क्या? मैं पूरी जिंदगी में कभी इतना नहीं चली हूँ. तब तक अथीरा का शॉट ले लें क्या? क्या, मेरा? हाँ, अथीरा का करते हैं. मुझे तो कुछ नहीं आता. कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा.
जेनी हाँ? आज तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया। थैंक्स। वैसे तुम्हारे लास्ट वाले टेक से अच्छा तो मुझे तो तुम्हारा सोलवा टेक बहुत अच्छा लगा था। सच में? कसम से। कैमरे में मत देखना। हाँ ठीक है। रेडी हो? रेडी। ओके रोल। रोलिंग। एक्शन। मैं उसी स्कूल में पढ़ती थी जिस स्कूल में मेरी माँ पढ़ाती थी। रुको क्या हुआ? अपने बाल जरा पीछे की तरफ रख। तुम भी ना माँ। कैमरे में अच्छा नहीं दिखना क्या? बहुत अच्छी लगेगी। अब जाओ। सॉरी। एक्शन। सॉरी। ओके ओके ओके। मेरे पापा की मौत के बाद मैं और मेरी माँ अकेले रह गए थे, पर माँ ने कभी भी मुझे उस दुख का एहसास नहीं होने दिया। ऐसी है मेरी माँ। हम दोनों घूमने जाया करते थे, फिल्म देखने जाते थे। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था, पर अब पढ़ना थोड़ा कम कर दिया है। आपको इस बीमारी के बारे में कब पता चला? 3-4 महीने पहले की बात है, जब माँ अकेले मंदिर गई थी। वापस आते हुए उन्होंने ऑटो तो ले लिया, पर वापस घर आने का रास्ता वो भूल चुकी थी। उन्हें लगा कि जैसे उनकी याददाश्त चली गई हो। उसके बाद हम पास के ही दीपा हॉस्पिटल के डॉक्टर रोशन रमाकांत से मिलने गए। डॉक्टर ने बताया कि ये अल्जाइमर्स के पहले स्टेज पर है। ओके गुड। अब मैम का शॉट लेते हैं। माँ कार्तिक। उन्हें अचानक से क्या हो गया यार? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है।
चले माँ, दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। आहा, आज लेट हो गए, क्या हुआ तुम्हें, सोते रह गए क्या? वो सब लोग तो बीच पर गए हुए हैं, तुम पढ़ो ना, रुक क्यों गए? हाँ, कार सेवा के लिए निकले तीर्थ यात्रियों का जत्था पहाड़ों से होते हुए मैदानी इलाके में पहुंच चुका है। आसपास के लोगों के सहयोग और उनकी शुभकामनाओं से ये जत्था बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। I want you all to stretch your legs, lie backwards, look up and face your palm upwards. Now take a deep breath, close your eyes, relax your body and listen to the rhythm of the waves. Okay guys, that's it for today. Get up. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hey. जेनी कहाँ है, बाइक कहाँ है, थाईलैंड कहाँ है? अरे हम योगा कर रहे हैं और तू सो रहा है। हाँ हाय हाय कार्तिक, तुम नहीं आ रहे क्या? चले ना। नहीं तुम लोग जाओ, मैं बात करता हूँ। कार्तिक जरा एक बात बता, ये सुबह के सपने सच होते हैं क्या? क्या? अरे सुबह के सपने, तू जाना। अरे बता ना। जेनी हाय। हाय, तुम योगा इंस्ट्रक्टर हो? हाँ कह सकते हो। कल रात तुम डर गए थे ना? हाँ। जब पहली बार हुआ था तब मैं भी डर गई थी। ओ, तो ये पहले भी हो चुका है? एक बार डॉक्टर ने मुझे सावधान रहने के लिए कहा था, अगर ऐसा बार बार होता। ओ। हे कार्तिक, तू आ रहा है क्या? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। बाय। माँ को तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे लगने लगे हैं कार्तिक। क्या तुम्हारी राहुल से बातचीत होती है? राहुल नहीं। ओ, श्वेता यही है, कभी कभार दिखती है, बाकी सब तो एफबी पर है ही। तुम एफबी पर नहीं हो ना? मैंने ढूंढा था पर तुम मिले नहीं। मैं हूँ बट एक्टिव नहीं हूँ। ओ, तो तुम्हें सब लोग याद है? हाँ मोस्टली सब याद है। पता है सानिया की शादी टूट गई। कौन सानिया? अगर तुम्हें याद ही नहीं है तो फिर जाने दो। सानिया, उन लोगों को ये सब पुरानी बातें मत बताना। एलेक्स साउंड ओके ना? हाँ ओके ओके। मैम रेडी? एक्शन। कभी कभी कुछ याद ना रहना वरदान लगता है, ऐसा लगता है जैसे भगवान ने मुझे इस रूप में एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। मालती मैम पिछले 4 महीनों से मेरी पेशेंट हैं। वो अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील कर रही हैं। मेरी बहुत समझदार पेशेंट है वो। वैसे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं, बस उम्र हो गई है ना उनकी,
वैसे दिल से तो एकदम जवान है वो। मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ, एक बार मैं गैस ऑन करके बर्नर जलाना भूल ही गई। उस दिन हम किसी तरह बच गए, पर वैसे कोई परेशानी नहीं है। मेरे ख्याल से अगर कोई और सेम सिचुएशन से गुजर रहा हो तो मैम उनकी जिंदगी के लिए सही मायने में एक रोल मॉडल जैसी हैं। उनसे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। मेरी जिंदगी अब एक बहुत बड़ी लड़ाई बनकर रह गई है, लड़ाई सब कुछ याद रखने की। मैं जानती हूँ कि अंत में मैं हार जाऊंगी, फिर भी मुझे लड़ना होगा। मुझे डर लगता है हार जाने से नहीं, पर उस पल से जब जब मैं अपनी बेटी अथिरा को भूल जाऊंगी, मैं वो दिन नहीं देखना चाहती। भगवान करे कि वो दिन कभी ना आए, इसलिए मुझे लड़ते रहना होगा। सुनो बेटा, कल पंचमी है, शाम को मंदिर भी जाना है, और मंदिर से आते वक्त तुम सुन भी रही हो? माँ बस एक लास्ट मेल का रिप्लाई कर दूँ? बस बहुत हो गया, अब सो जाओ। गुड नाइट। मंदिर क्यों जा रहे हैं बेटा, कोई खास बात है क्या? आप ही ने तो कहा था कि आज पंचमी है और आज मंदिर जाना है। ओह, मैंने कहा था? जरा यहाँ देखो तो, मेरी माँ कितनी सुंदर लग रही है। अब चले। चलो। Thank you.
माँ यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो। चेन्नई जाने से पहले तुम लोग अपने घर जाओगे क्या? ए, अभी घर कैसे जा सकते हैं? मेरे अभी 3-4 काम पेंडिंग है यार। ओह, वैसे मैं सोच रही थी तुमने जॉब से रिजाइन क्यों किया? तुम कंटिन्यू कर सकती थी ना माँ को इस हालत में छोड़कर। ये इतनी भी सीरियस सिचुएशन नहीं है, तुम्हारी कुक और माली है ना देखभाल के लिए, या फिर तुम्हें एक होम नर्स रख लेती उनकी अपनी बेटी होते हुए। एक्चुअली इट्स ओके। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय। बदला लेकर रहूंगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। अरे तुम्हारी मॉम, माँ तो सो रही है। नहीं वो बाहर है। क्या कहाँ है आरू? यहाँ पर। कहाँ है वो? यहीं पर थी, मैंने खुद उन्हें देखा था। What? She was talking. There was someone in the mirror. Huh? You believe me, there was. I swear I saw her. Namaste. Namaste. This is okay. For you. Thank you. Thank you so much for coming. See you. Bye. Come again. Yes, sure. Bye. Okay. Bye. Ja rahe ho dost? Yeah. Oh, okay. Bye. 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 I will miss you. I will miss you. Jenny. Okay. Bye. What the hell was he doing? I don't know. जेनी इतना उछल उछल के आम तोड़ रही हो, मैं मदद करूं क्या? कैसे? अब मौका मिला है। ऐसे लो, उठा लिया, तोड़ लो। एक और तोड़ो ना। दिन दहाड़े क्या हो रहा है? मैम साहब। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ अरविंद। कौन अरविंद? सप्लायर अरविंद। किस चीज का सप्लायर? सब्जियों का सप्लायर मैडम। शक्ल से तो तुम कोई चोर लग रहे हो। नहीं मैं चोर नहीं हूँ मैडम। हाँ मैं एलिजा। एलिजा। अरे आप एलिजा को क्यों बुला रही है? एलिजा क्या मैंने किया? अरे बाप रे। अच्छा है ना? इट्स रियली नाइस। ये 2400 और ये 2500। अरे मेरी स्कूटर कहाँ गई? यहीं पे तो खड़ी की थी, कहाँ चली गई? अरे मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यहीं पर खड़ी की थी। चौकीदार
मैंने स्कूटर यहाँ खड़ी की थी, कहाँ गई? चौकीदार, मैडम आप क्या हुआ? स्टॉप 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 कम, माँ कहाँ है? बेटी वो अंदर ही है, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरी बाइक यहाँ पर खड़ी है। दादाजी आपकी छड़ी। क्या हो बेटा, कोई बात है क्या? कुछ नहीं माँ, चलो अब चलते हैं। यहाँ भी शूटिंग चल रही है क्या? यहाँ नहीं मैम, चलिए चलते हैं। यही तो इनकी परेशानी है, इनमें डिसिप्लिन ही नहीं है। अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। नमस्ते। टाटा टाटा। चलो ठीक है बेटी। अच्छा हुआ चली गई, भगवान का शुक्र है। इसे यहाँ रख दो। अब ऑरेंज। ठीक है, अगर बाइक का एक्सीडेंट हो जाता तो मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। कुछ हुआ तो नहीं ना, तो डर क्यों रही हो? हमें मैम को लेकर केयरफुल रहना होगा कार्तिक। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। ए भाई तू चुप ही रहे। हरी क्या बोलो एलेक्स। माँ मुझे अपना हाथ दो। मुझे घड़ी की क्या जरूरत है बेटा, ये कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं है। तो फिर मुझे इस घड़ी से पता चल जाएगा अगर तुम मुझसे दूर जाओगी। समझ गए, ये किसका आइडिया है? ये मेरा आइडिया है। अच्छा है, तो तुमने मुझे सच में पेशेंट बना ही दिया। माँ यू नहीं कह रही हूँ बेटा, परेशान मत हो। अरे ये सीटी बजाना बंद करो और गेट को अच्छी तरह से ताला लगा दो। और सुनो सुबह याद से गेट खोल दो। हाँ। मैं गेट फांद कर नहीं आ सकता। हाँ, मैं गेट खोल दूंगा। ये बताओ तुम पक्का सुबह उठ जाओगे ना? अरे हाँ भाई उठ जाऊंगा, घबराओ मत। हाँ, गेट खोलना भूलना मत भैया। ए जाके सो जा तब तो उठेगा। ओहो अरे दो मिनट जा रहा हूँ। दिमाग खराब कर दिया। क्यों डर गए थे? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। दम मारने में तू तो बहुत एक्सपर्ट है यार, कितने सालों से मार रहा है, जरा मुझे भी दे।
अरे मैम आप गेट खोलो अभी। मैम आप अंदर जाके सो जाइए। 12 साल बाद में। अरे जाइए मैडम रात हो गई सो जाइए। नहीं मैम चलिए अंदर चलते हैं। मैम ने तो तेरी बात एक बार में ही मान ली। गेट खोल। गेट खोल। ये आप क्या कर रही हैं? गेट खोल। खोल के मैंने कहा गेट खोल। चाबी दे। मुझे दे चाबी। मैंने कहा गेट खोल। खोल के गेट खोल। मैम यही थी। मैम कहाँ है? मैम कहाँ चली गई? कहाँ मैं यहाँ देखते हैं इस तरफ। अरे गेट भी बंद है। गेट बंद है तो मैम यही कहीं होनी चाहिए। अधूरा सुनना यार मेरा हाथ मत छोड़ना। हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। वो यही है। कहाँ? वो देख टीचर के हाथ में ये रॉड था। वो यहीं पे होंगी। ओह गॉड कार्तिक 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 चलो चलो मैम मैम लाओ दो मैं खिलाती हूँ दीदी खा लोगी ना। माँ ने कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। अतिरा मैम की हालत अब बिल्कुल ठीक है। तुम अब चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करूं कार्तिक? डॉक्टर ने कहा कि अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर और वायलेंस इस बीमारी के लक्षण है। इस बीमारी में ऐसा होता है। वो खतरनाक होती जा रही है। देखा ना कितनी वायलेंट हो गई। हमें अब बस एक काम करना है मैम पर जितना ज्यादा हो सके ध्यान रखना। और सुनो हाँ। इस घर से सारे शार्प ऑब्जेक्ट हटाने होंगे। किसी ने मुझे धक्का मारा। हाँ? किसी ने मुझे धक्का मारा। धक्का मारा मुझे। अब किसी ने मुझे धक्का मारा। किसने मुझे धक्का मारा? किसने माँ? धक्का मारा मुझे। धक्का मारा माँ? किसने धक्का मारा? किसने मुझे धक्का मारा? किसी ने धक्का मारा मुझे। उन्हें कौन धक्का मारेगा?
Yeah. No, not in that sense. I mean, he's a funny guy. कौन है? कौन है? देखा क्या? कहीं दिख नहीं रही वो कार्तिक? माँ, कार्तिक कार्तिक वो रही कहाँ? वो देख वहाँ मैंने कहा ना बस करो
ऐसे ही करोगी तो मुझे तुम्हें बांध के रखना होगा। अथीना, तो बताओ और मैं क्या करूं कार्तिक? मेरे पास एक आइडिया है। ये कैसी आवाज थी? माँ कहाँ है? आवाज कहाँ है? यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ चल। कार्तिक, मैम कैसी है? बेहोश है अभी। डॉक्टर ने कहा कि क्रिटिकल नहीं है। हमने ये सब नहीं सोचा था। अब ये सिरदर्द हो गया यार। कार्तिक, हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें? मेरे ख्याल से हमें चले जाना चाहिए। तो तुम लोग डर रहे हो? डर नहीं है कार्तिक, कभी ना कभी तो ये खत्म होना है ना।
देखो कार्तिक, हमारा काम लगभग खत्म हो गया है। हम तुम्हारी फीलिंग समझते हैं, पर इस तरह से कार्तिक, हाँ, डॉक्टर इज कॉलिंग, कमिंग। मैं समझ रहा हूँ तुम सब जो कह रहे हो, लेकिन मैं इस हालत में उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन कार्तिक, देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, यू डिसाइड। देखो अथिरा, ऐसा कुछ अल्जाइमर्स पेशेंट्स के साथ होता रहता है। उन्हें गुस्सा आने लगता है, चीजें फेंकना, उनका चिल्लाना, जैसा तुमने बताया वो सब कुछ होता है। पर इन सब के पीछे और कोई खास वजह नहीं है, या फिर अगर कोई वजह है भी तो वो इस स्टेज पर पता नहीं चलेगी, क्योंकि अक्सर ये सब एडवांस स्टेज में जाने के बाद ही देखने को मिलता है। तो मैम को पहले क्यों हो रहा है? इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, उन्हें कुछ दिन और बस यहीं रहने दो, टेस्ट की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर देखते हैं। ओके, सारी दवाएं लेकर आया हूं। ठीक है, हाँ, मैं दिखा दूं इसे। हाँ, हाय कार्तिक, क्या बात है? हाय कार्तिक, बहुत अच्छा है। तुम लोग गए नहीं? क्या कहा? तुझे क्या लगा हम तुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे? हैं? हाय जेनी। हाय जेनी, हम है ना साथ में आम तोड़ेंगे। मैं बदला लेकर रहूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। 12 साल बाद मैं फिर आऊंगी। जाने की जरूरत है क्या? चुपचाप चल। हाँ, बाकी सबको भी बुला लेते ना। नहीं, हे भगवान, ओम नमः शिवाय। अरे बाप रे, सुन, डरना मत, हाँ, मैं हूं तेरे साथ। क्या है ये? संभल कर चलना। लकड़ी थी। एलेक्स, हाँ, इसे हटा यहाँ से। अच्छा ठीक है, हाथ लगा। कार्तिक, क्या कर रहा है तू? बी केयरफुल, इसे हटाने में मेरी मदद कर। मैं जरा घर जाना चाहता हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है। कार्तिक, बी केयरफुल। ये क्या है? आई ले, पकड़ो इसे, पकड़ो। ये क्या है? हाँ, ऐसे कुछ चप्पल पड़े तो ले। हाँ,
मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसमें क्या है? माँ रहने दे कार्तिक, मत खोल इसे। नहीं नहीं कार्तिक, एलिजा, एलिजा। हाँ सुनो, दोपहर के लिए साबूदाना बना देना। कहाँ पर थे आप? क्यों, क्या हुआ? वो बच्चे कोठरी में गए थे और तूफान जैसा कुछ आया। हाँ? उन्होंने वहाँ से कुछ सामान भी निकाला, एक बक्सा। हाँ? मैं तो बहुत डर गई थी। हाँ? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। हाँ? ये क्या है? क्या पता, जरा देखना। अरे ये देख, ये तो अपनी मैम की फोटो है। कहाँ पर? ये देख यहाँ। हाँ और ये कौन है? ये तो भार्गवन सर है। ये हमारे स्कूल में संस्कृत पढ़ाते थे। ये सब यहाँ कैसे आया? चाचा जरा सुनिए, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? वो कोठरी। लेकिन तुम लोग वहाँ क्यों गए थे? लेकिन अरे उस कोठरी में बहुत सा सामान रखा है, तुम लोग सामान उठाकर क्यों लाए? हमने तो बस ऐसे ही। देखो अपने काम से मतलब रखो और निकलो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। ये क्या हो गया है? क्या हो गया बेटी?
पिछले 10-12 सालों से किसी को नहीं पता कि भार्गवन सर कहाँ पर हैं। उस वक्त सुनने में आया था कि वो यहाँ से अपना सारा सामान लेकर चले गए हैं। आपने उन्हें ढूंढा नहीं? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगे पर ये सब कुछ मैडम के साथ तब से हो रहा है जब से वो बच्चे यहाँ पर आए हैं। मुझे तो लगता है सारी परेशानियों की जड़ वही है। उन्हें जल्दी यहाँ से वापस भेज दो वरना मजबूरन मुझे ही उन्हें भगाना होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे। मैंगलोर के घर पर पुलिस को पता चला कि उन्होंने बहुत पहले ही वो घर छोड़ दिया था। वैसे उनका स्वभाव भी काफी अजीब था, वो जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं थे पर उनकी तरफ हमेशा सब लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते थे। हरी अथीरा, तुम जाओ पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। रिचुअल ब्लैक मैजिक सैक्रिफाइस स्नेक वॉशिप क्या यार ये क्या कर रहे हो तुम? क्या ये हमें इस बॉक्स में मिला है? क्या है ये सब? मुझे नहीं मालूम, कुछ संस्कृत में है। किया है ना?
मैम ने बताया। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है, मैंने बताया ना, वो जो हॉस्पिटल में थी वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है ये वो नहीं जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, ये कुछ और ही है। अगर हॉस्पिटल स्टाफ सही वक्त पर नहीं आता तो माँ मुझे मार चुकी होती। ये भार्गवन सर यहाँ रहते थे क्या? अब इसका क्या मतलब है? तो ये सब यहाँ कैसे आया? वही तो, कुंजमोनी काका को शायद इस बारे में कुछ पता हो। हमने उनसे पूछा था पर उल्टा वो हम पर ही भड़कने लग गए। मेरे ख्याल से इन सब का कुछ कनेक्शन है। इस किताब को ट्रांसलेट करने वाला होना चाहिए। हाँ सुन कार्तिक, ये देख ये क्या है? सुन, ये क्या मदद कर पाएगा? डॉक्टर कृष्णमूर्ति इस तरह के मैटर्स में एक्सपर्ट हैं। पैरासाइकोलॉजी में इन्होंने रिसर्च की है और बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। और इन्हें अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो ये पक्का अच्छा ही होगा। तो इससे बात करके देखें? हाँ करके देख लो। कहाँ का है ये? कार्तिक क्या हुआ? यहाँ चलो। अकीरा अधीरा क्या हुआ? बोलो ना। देखिए स्नेक वर्शिप के बारे में हमारे समाज में बहुत सारे मिथ्स हैं और इसके साथ ही नेगेटिव वर्शिप भी है। नेगेटिव वर्शिप? हाँ, हर पूजा के साथ अच्छे प्रभाव होते हैं तो बुरे भी होते हैं। इस केस में मामला अलग है। ये इंद्रिय वेद संहिता है। हर काल में हर सिविलाइजेशन में इंसान ने मौत को हराने की पूरी कोशिश की है और अब मॉडर्न साइंस भी वही कोशिश दोहरा रही है। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये किताब प्राचीन भारत के इतिहास के तथ्यों पर काफी रिसर्च के बाद लिखी गई है। ये किताब इतना रोचक है कि इसे पढ़ने जो भी बैठता है वो इसी में खो जाता है। भला अमर होना कौन नहीं चाहेगा? सीधी तरह से कहूँ तो दिस इज द ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क, खास तौर पर मेरे जैसे लोगों के लिए। इट मस्ट हैव टेकन हिम अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, बट एट द सेम टाइम
मैं बता दूं कि ये सत्य से परे हैं। इसे हम सब किसी जीनियस की कल्पना मान सकते हैं जिसने पागलों की तरह रिसर्च की है। आपकी बातें तो मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। कंफ्यूज मत हो, इट्स लाइक ए फैंटेसी नॉवेल। बस इसे लिखते समय राइटर ने अपना बेस्ट दिया है। सर ये क्या है? जैसा कि मैंने बताया, ये अमर होने का एक प्रोसेस है। इसके लिए सालों की कड़ी तपस्या, प्रार्थना और उपवास की जरूरत होती है, और प्रोसेस के अंत में तीन बलि चढ़ानी होती है। किशोर उम्र की तीन ऐसी लड़कियों का बलिदान जो पूरी तरह जवान न हुई हो। यह निशान बलिदान वाली लड़की के शरीर पर टैटू के रूप में बना दिया जाता है। सर ये मेरी पीठ पर है। माँ ने बताया था कि मैं बीमार हो गई थी, तब ये मेरी पीठ पर बनाया गया था। पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो फिर तुम हिप्नोटाइज अवस्था में ही रही होगी, ये बात तय है। कार्तिक सर, दैट मैड मैन इज रियली लिविंग विद हिज फैंटेसी। सर अथीरा को तो कुछ नहीं हुआ ना? यू कम विद मी। अथीरा इज ए लकी गर्ल। उसकी बॉडी पे ये टैटू बलि से ठीक पहले बनाया गया था। इसका मतलब उस दौरान जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा। मतलब वो पहले दो लड़कियों को मार चुका है? लगता तो यही है। सर ये सब तो बहुत साल पहले हुआ है, तो अब इसका असर? अब तुम्हारी मैम कैसी है? वो ज्यादातर बेहोशी रहती हैं। लेकिन क्यों सर? कुछ खास नहीं। एनीवे, लेट मी जस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, देन आई विल कॉल यू बैक। डोंट वरी। ओके सर। ओके, मूव ऑन। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तुम यहाँ? Thank you.
12 साल बाद पूर्णिमा को मैं फिर आऊंगी बदला लेने के लिए, किसी को नहीं छोड़ूंगी। हेलो कार्तिक। यस सर। हाँ, आई वांट टू मीट यू। बदला लेने के लिए किसी को नहीं छोड़ूंगी। पूरे 12 सालों के बाद एक बार फिर से आई हैव कम बैक। मैं फिर से वापस आऊंगी फॉर माई रिवेंज। ये सब बातें तुम्हारी मैम नहीं बोल रही थी, बल्कि भार्गवन बोल रहा था। मैंने तो सुना है कि भार्गवन की मौत स्वाभाविक नहीं हुई थी। That means, वो अब तुम्हारी माँ के शरीर में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि उसी ने भार्गवन को मारा था। ये भी एक तरह का बदला ही है। अगर मेरी इंट्यूशन सही है, she is in danger। लेकिन इतने सालों बाद ऐसा क्यों? जिस दिन भार्गवन की मौत हुई थी, उस दिन सारे के सारे ग्रह, समय, काल, परिस्थिति ठीक उसी दिशा में थे जैसे कि आज है। आज पूर्णिमा है, ऐसा नक्षत्र 12 सालों बाद आया है। मुझे नहीं पता कि तुम लोग मुझ पर यकीन करोगे या फिर नहीं, पर इसका समाधान और इसका खात्मा हमें आज ही करना पड़ेगा। पूर्णिमा के खत्म होते ही भार्गवन हमेशा के लिए तुम्हारी माँ के शरीर में घुस जाएगा। यू माइट लूज हर फॉर एवर। सर, क्या मेरी माँ को बचाने का कोई रास्ता नहीं? एक रास्ता तो है, अब ये काम करेगा या नहीं मैं नहीं जानता। शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार भार्गवन के शरीर का जो भी अवशेष बचा है उसे हमें नष्ट करना होगा। लेकिन ये होगा कैसे? जलाने से। आज रात 12 बजने से पहले भार्गवन के शरीर के हर एक हिस्से को जलाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो बुरी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैम यहां खोद नहीं रही थी, वो इसे ढक रही थी। अरे सुनो एलिसा, अधीरा बेटी कहां है? वो तो नीचे गई है। अच्छा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, जरा मेरे लिए पानी पीने के लिए ले आओ। अभी? हाँ, लेकर आओ ना। एन, मैं अभी आती हूँ। ठीक है माँ। मालकिन, आप सुन रही हैं? आप उसे यहाँ से लेकर गई थी ना? हाँ, कहाँ लेकर गई थी? हाँ, कहाँ? हमारे बोलिए ना। हाँ मालकिन, Oh, my God.
उस तरफ, उस तरफ। हाँ हाँ हेलो, संभल के। हाँ व्हाट? हाँ हाँ क्या हुआ? मैम गायब है। हाँ? और वो बच्ची एन भी। क्या हुआ? क्या एन गायब है? तीसरी बलि एन की चढ़ेगी। अथीरा, अपनी मां को जल्दी ढूंढो। Sure, you searched everywhere? हाँ, इन पेंटिंग्स वाली सभी जगह पर। Oh my God.
चलते हैं। तुम उसे डायरेक्टर कौन है? क्या माँ, तुम ही ना? मैं हूँ मैम। अगर तुम अभी चले जाओगे तो शूटिंग कैसे करोगे? हम वापस आएंगे ना मैम? वापस तो इसे आना ही पड़ेगा। अच्छा मैम, मैम हाँ बोलो बेटा। वेरी गुड। ए वेरी गुड। हाँ सॉरी मैम। ये लीजिए। गुड अच्छा मैम बाय बाय मैम चलते हैं। बाय अथीरा। बाय 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 चलते हैं। अथीरा ये डायरेक्टर मुझे कुछ कुछ अपने किचू जैसा लग रहा है ना? हाँ बाय 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 बाय।